जी सर, मेरी बेबी थी 22 डेज की, कल लेके आया था, खाली आउट पेशेंट चेकअप के लिए लेके आया था, येलो दिख रहे हो बोल के, तो येलो दिख रहे हो बोल के टेस्ट करे, टेस्ट करके मेरे को टेस्ट एडमिट होना पड़ता, आपकी बेबी को इरखान है बोले, तो ठीक है बोल के एडमिट कराया हमें। मैं बोला कि मैं बेबी को नहीं देता हूँ, मेरे को सेपरेट रूम दो बोले, तो सेपरेट रूम भी लिए तो सर आपको नीचे रखना पड़ता, खाली आप रेस्ट करने का तो ऊपर जा सकते हो, उससे हट के नहीं कर सकते आप कुछ भी, बेबी को नहीं लेके जा सकते रूम में बोले, तो अच्छी बात है बोल के मैं एडमिट कराया। एडमिट कराया बाद फरा हॉस्पिटल, शालिनी फरा हॉस्पिटल चार चमन का इंजन बोली पे, तो एडमिट कराया मैं। एडमिट कराया बाद उन लोग यूसुफुद्दीन साहब एडमिट करो बोले थे, एडमिट करा दिया मैं। एडमिट कराया रात तक अच्छा चला, उन्होंने 8 बजे से डेली सताते, उन्होंने भाई बोला जाके उन्होंने रात में सताते, देखो कुछ रहा तो मेरे को पहले बोल देना आप लोग, बोल के बोला मैं, तो ठीक है बोले। मैं जाके 3 बजे उनको ब्रेस्ट फीड कराने लगाया, तो दूध पिलाया उनको, फीडिंग हुई 3 बजे, 3 बजे के बाद 3:30 को दिए, 3:30 को दिए, जब बच्ची को सुला दिए, फिर एग्जैक्ट 4 बजे नर्स उठ के फोन देख लेते बैठे हुए थे, बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही, तो आके बच्ची को मार रहे पीठ पे, पहले पीठ पे मार के फिर सिंगल हैंड से पकड़ के कलाई को पकड़ के उठा लिए बच्ची को, वो भी है वीडियो में मेरे कन, कलाई को पकड़ के उठा लिए, फिर साइड में पिल्लर कन लेके जाके पिल्लर के पीछे छुप के लोच रहे, वो भी वीडियो में आ गया, सीसीटीवी में आ गया, वो भी उन्होंने पिल्लर के पीछे गए सो भी आ गया और लोच रहे सो भी आ गया, उन्होंने छुप के समझे लेकिन नहीं हुआ, वो आ गया पूरा रिकॉर्ड हो गया वो भी। फिर उसके बाद वहां से हटके सामने के रूम में गए, वहां पे भी मिरर में दिख रहा उन्होंने मार रहे सो हाथा दिख रहे उनके मार रहे सो मिरर में, वो भी सीसीटीवी में आया। फिर उसके बाद वो हो गया बाद उन्होंने लेके आके बेबी को डाल दिए, डाल के फिर एक कपड़ा लिए, कपड़ा लेके बच्ची के मुंह में घुसा, रोना नहीं वो बच्ची चूसना कपड़ा बोल के घुसड़ गया, हाथ से लोच रहे वो भी दिख आ रहा पूरा, वो लोचे सो पूरा यहाँ से यहाँ तक निशान आ गया, मारे भी मारे सो भी निशान है, पीठ पे भी है निशाना, उनको कल्ले पे भी है निशाना। मैं यही 5 बजे गया फिर फीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए जाके बोला, बोला तो निशाने ने वो लाइट के रिएक्शन से होता बोले उन लोग। फिर जाके डॉक्टर को जब भी उठाया, उठा के बोला कि देखो भाई मेरे को ऐसा बच्ची को दिख रहा बोले तो, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है लाइट का रिएक्शन है बोले। सुबह में एक दूसरे सर है हेड इंचार्ज है, तो रामू सर बोल के उनको बताया, तो उनको बताया तो मैं देखता हूँ, देख के आपको बोलता बोले, उन्होंने बोले कुछ भी नहीं नहीं है बोले। फिर दूसरे ड्यूटी डॉक्टर है, उन्होंने बोल रहे कि ऐसा बर्थ मार्क आता थोड़े दिनों के बाद, मेरे नेफ्यू को 3 महीने के बाद आया। मैं बोला 3 महीने कैसा आता, 20 दिन के बाद बोले तो, नहीं नहीं आता लाइटों में रखे तो आ जाता बर्थ मार्क बोल के बोले। तो मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं बोला फोटेज बताओ बोले, तो फोटेज हम देख लिए सब नॉर्मल है वो है बोल के बोले। 12 बजे सैंपल लिए, डिस्चार्ज मेरा 12 बजे था, 12 बजे से मेरे को 2:30 बजे तक फिरा है खाली, डिस्चार्ज दे रहे ना रिपोर्ट दे रहे बच्ची की, कंप्लेन में शालीबंडा पीएस में करा, अब तक अरेस्ट नहीं करे, जैसे कि वैसा बैठे हुए उनका यूसुफुद्दीन साहब भी पुलिस से रेस्पॉन्स है, लेके जाते बोल रहे लेकिन उल्ला आ रहे हैं ना, पुलिस की बात सुन रहे हैं ना कुछ कर रहे, पुलिस वाले बोल रहे कि हम लेके जाते आप पीएस पे आ जाओ बोल रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3:30 से ठहरे हुए, 5 बजने आ रहा अभी तक नहीं लेके गए उन लोगों किसी को। मैनेजमेंट बहुत इरेस्पॉन्सिबल है भाई, मैनेजमेंट से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई हेड आके उठ के बोले सब बात नहीं कर रहा, क्या हुआ कोई सामने नहीं आ रहा, सब पीछे पीछे अंदर आ रहे, दूसरे बच्चों को भी मार रहे, सब दूसरे बच्चों को भी कर रहे हैं वैसे जुल लगा। 20 डेज की बेबी है वो, 20 डेज की बेबी कितना क्रूएल करते हैं, जो भी नर्स है वो नर्स के ऊपर एक्शन का कैमरा देखो, कहीं पर भी बोले सब नौकरी नहीं मिलना, आगे चल के भी ऐसा कर सकती, कहीं पे उसको नौकरी नहीं मिलना, एक्शन होना नर्स। और ऑन ड्यूटी फोन यूज कर रहे हो, बच्चे के जा रहे, बच्ची का देख रहे, फिर जाके फोन यूज कर रहे, पूरी वीडियो देखा मैं रात भर की, पूरी वीडियो देखा, पूरी वीडियो में फोन यूज कर लेते हुए। और मैं 5 बजे सीसीटीवी मेकन भी है, और 5 बजे जब फिर से फीडिंग के लिए जब आया, मैं जब सो रहे थे, उन्होंने बेबी भी सो रहा था, उन्होंने भी सो रहे थे, बोला बेबी सो रहा शायद बोल के चले गया, फिर 5:15 को उठाए तो जब देखा मैं मारा लगा, फिर अब वीडियो में देखा तो बच्चा 4 बजे से 5 बजे तक रो रो के सो गया, सो है बच्चा थक के। ठीक है।